हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है वो सभी मार्वल क्रॉसओवर्स जो हमें देखने मिलेंगे एमसीयू के फेज 5 और फेज 6 में। अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एमसीयू के फेज 4, 5, 6 का एंड करेंगे द मल्टीवर्स सागा के कंक्लूजन के रूप में। और ये दोनों ही मार्वल कॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसओवर इवेंट्स रह चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एमसीयू के फेज 4, 5 और 6 में हमें सिर्फ दो ही क्रॉसओवर इवेंट्स देखने मिलेंगी। इनफैक्ट फेज 5 और 6 में कई ऐसी स्टोरी लाइन्स है जहां हमें देखने मिलेंगी मार्वल कॉमिक्स की कुछ और क्रॉसओवर इवेंट्स। टेक्निकली एमसीयू के फेज 1 से लेकर 3 तक कई क्रॉसओवर इवेंट्स थी जिनमें मेनली हाईलाइट होके दिखे हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी लाइन्स। और अवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी लाइन को खत्म कर दिया गया। लेकिन एमसीयू का फेज 4 ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है जिसका एंड होगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के साथ। बट इस फेज 4 में एक भी क्रॉसओवर इवेंट नहीं देखने मिला है। लेकिन एमसीयू का फेज 5 शुरू ही होने वाला है क्रॉसओवर इवेंट से, स्पेशली डिज्नी प्लस का शो सीक्रेट इन्वेजन जो मार्वल कॉमिक्स का अब तक का सबसे बड़ा क्रॉसओवर इवेंट रहा है। जैसे इन्फिनिटी सागा में थैनोस के स्नैप के बाद सब कुछ चेंज होके रह गया, सीक्रेट इन्वेजन में स्क्रल्स के इन्वेजन के बाद बहुत कुछ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। साल 2008 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई ये कॉमिक सीरीज सीक्रेट इन्वेजन एक मेजर माइलस्टोन रही है मार्वल कॉमिक्स में एक सुपर हीरो क्रॉसओवर इवेंट्स के लिए। और डिज्नी प्लस की सीरीज सीक्रेट इन्वेजन के नाम से ही ये क्लियर है कि ये क्रॉसओवर इवेंट रहेगा जहां पर हमें मल्टीपल सुपर हीरोज फिर से देखने मिलेंगे एक साथ। ऑल्दो ट्रेलर से फिलहाल के लिए सिर्फ निक फ्यूरी, मारिया हिल और जेम्स रोड्स को ही कंफर्म किया गया है, लेकिन 100% इस सीरीज में हमें कुछ और सुपर हीरोज भी जरूर देखने मिलेंगे। अब सीक्रेट इन्वेजन के अलावा नेक्स्ट ईयर एमसीयू के फेज 5 की फर्स्ट मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया भी एक और क्रॉसओवर इवेंट का सेटअप होने वाली है। मूवी की स्टोरी लाइन से हमें ऑलरेडी पता है कि कैंग इस मूवी का मेन विलन होगा और कॉमिक्स की कैंग्स टाइमलाइन वॉर्स इसी मूवी के साथ शुरू होने वाला है। एंटमैन एंड द वास्प में हम स्कॉट लैंग को देखेंगे फेस करते हुए एमसीयू की हिस्ट्री का अब तक का मोस्ट डेंजरस विलन जो कि है कैंग। और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के एंड में जो भी होता है वही सेटअप होगा अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का, जिसके बारे में फिलहाल कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। लेकिन इतना क्लियर है कि ये सारी इवेंट्स बेस्ड है इसी नाम की कॉमिक बुक इवेंट्स पे, जिसके थ्रू कैंग वो फर्स्ट विलन बना था जो फिजिकली इस कंप्लीट वर्ल्ड को टेक ओवर कर पाया। लोकी सीरीज में सिल्वी के ही हू रिमेंस को मारने की वजह से सेक्रेट टाइमलाइन टूट गई, जिसकी वजह से कैंग द कंकरर एंटमैन द वास्प क्वांटम मेनिया में इस मल्टीवर्स सागा का पार्ट बनके डेब्यू कर रहा है एक विलन के रूप में। और जो डिटेल्स हमें कॉमिक्स और ही हू रिमेंस की वजह से कैंग के बारे में पता है कि वो डिफरेंट टाइमलाइंस और यूनिवर्सेस में कैसे ऑपरेट करता है, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कैंग ने ही अवेंजर्स को थैनोस के अगेंस्ट जीतने दिया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो जानता था कि एमसीयू के मल्टीपल यूनिवर्सेस क्लैश होने वाले हैं और सेक्रेट टाइमलाइन के खत्म होने और मल्टीवर्स के ओपन अप हो जाने से कैंग को मौका मिलेगा फिर से सभी यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स पे कंट्रोल पाने का। सो नो डाउट कि कैंग्स टाइमलाइन वॉर क्रॉसओवर इवेंट इसी मूवी से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्रॉसओवर इवेंट है थंडरबोल्ट्स का टीम अप। एमसीयू की थंडरबोल्ट्स टीम में ऑलरेडी सभी एंटी हीरोज एग्जिस्ट करते हैं जो हमें देखने मिलेगी एमसीयू के फेज 5 की लास्ट मूवी के रूप में। करेंटली इस टीम के पार्ट है येलेना बेलोवा, रेड गार्डियन, बकी बांस, टास्क मास्टर, घोस्ट, वैलेंटीना और यूएस एजेंट। लेकिन कॉमिक्स में थंडरबोल्ट्स भी एक बहुत मेजर क्रॉसओवर इवेंट रही है और कॉमिक बुक हिस्ट्री से हमें ये पता है कि इस टीम को ज्वाइन किया है कुछ और कैरेक्टर्स ने भी, जिनमें आते हैं नेमर, शी हल्क, डेडपूल, टाइटेनिया, अबॉमिनेशन, नॉर्मन ऑसबोर्न, वेनम, हॉकाई और बैरन जीमो। अब कॉमिक्स की थंडरबोल्ट्स टीम तो एक विलन्स की बनी हुई फेक टीम थी जो खुद को प्रेजेंट कर रहे थे अवेंजर्स के रिप्लेसमेंट के रूप में, लेकिन एमसीयू की थंडरबोल्ट्स टीम बनी है एंटी हीरोज की, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो अवेंजर्स के भी पार्ट रह चुके हैं। और कॉमिक्स में मल्टीपल क्रॉसओवर इवेंट्स के थ्रू थंडरबोल्ट्स और अवेंजर्स एक साथ काम करते दिख चुके हैं और ये स्पेशली हुआ था सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के दौरान, जिसका मतलब है कि डिज्नी प्लस की सीक्रेट इन्वेजन सीरीज एमसीयू की थंडरबोल्ट्स टीम को इकट्ठा करने की शुरुआत होगी। अब ऑल्दो एमसीयू की थंडरबोल्ट्स मूवी का प्लॉट क्लियर नहीं है, लेकिन ये अज्यूम किया जा सकता है कि यहाँ भी कॉमिक्स की तरह एमसीयू के डार्क अवेंजर्स या फिर डार्क इल्यूमिनाटी की टीम का सेटअप किया जा रहा हो। नेक्स्ट मूवी जो सबसे बड़ी क्रॉसओवर इवेंट रहेगी वो है एमसीयू के फेज 6 की लास्ट मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के एक साल बाद रिलीज होगी और ये मूवी बेस्ड है मार्वल कॉमिक्स की फर्स्ट रियल क्रॉसओवर इवेंट पे। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स क्रॉसओवर इवेंट हुआ था 1984 में, जहां पर एक एंटिटी बियॉन्ड
वांडर ने अर्थ के सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया था बैटल वर्ल्ड में, एक ऐसा प्लेनेट जो बना था कई डिफरेंट प्लेनेट्स और रियलिटीज से। और इस बैटल वर्ल्ड में सभी सुपर हीरोज और विलन्स के बीच फाइट्स कराई गई थी। लेकिन एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स मूवी बेस्ड होगी मोस्ट रिसेंट 2015 की द सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज पे। इस सीरीज में दो यूनिवर्स क्लैश हुए, यानी कि मार्वल का मेन यूनिवर्स और अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स। और इस क्रॉसओवर इवेंट के होने का मेन रीजन था इनकर्जन, जिसे फिलहाल एमसीयू में सिर्फ एक बार दिखाया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स सीरीज एक क्रॉसओवर इवेंट पे बेस्ड जरूर है, लेकिन मूवी का प्लॉट और स्टोरी लाइन यहाँ तक कैसे बिल्ड होती है वो फिलहाल कहना काफी मुश्किल है। लेकिन इतना 100% है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एमसीयू की अब तक की सभी मूवीज की सबसे बड़ी क्रॉसओवर इवेंट के रूप में दिखेगी, जहां हमें देखने मिलेंगे सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स एक साथ। अब ऑल्दो एमसीयू के फेज 6 के आगे की मूवीज की डिटेल्स हमें नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से कंटिन्यूसली एमसीयू के रीसेंट प्रोजेक्ट्स में म्यूटेंट्स और एक्समैन को टीज किया जा रहा है, फ्यूचर में हमें एक और क्रॉसओवर इवेंट एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स भी देखने मिल सकता है। मार्वल कॉमिक्स में साल 2012 में हुई इस क्रॉसओवर इवेंट में अवेंजर्स की टीम भिड़ी थी एक्समैन की टीम से, जिसका रीजन था फीनिक्स फोर्स। जब ये रिवील हुआ था कि फीनिक्स फोर्स अर्थ की तरफ आ रही है, तो एक्समैन चाहते थे कि इस कॉस्मिक एंटिटी को आने दिया जाए, जिससे कि खत्म होती जा रही म्यूटेंट काइंड फिर से रिस्टोर हो सके। वही अवेंजर्स की टीम फीनिक्स फोर्स को एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देख रही थी, और उनका ये मानना था कि फीनिक्स फोर्स मैनकाइंड को खत्म कर देगी, जो रीजन था एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स के इस क्रॉसओवर इवेंट का। तो ऑफ कोर्स इतनी जल्दी नहीं, लेकिन एमसीयू के फेज 7 या उसके बाद हमें एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स का एक क्रॉसओवर इवेंट भी देखने जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है वो क्रॉसओवर इवेंट जिसे लेके एमसीयू हमें थॉर रैग्नारोक से टीज कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड वॉर हल्क की। डिज्नी प्लस की रीसेंट सीरीज शी हल्क से वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी की पॉसिबिलिटीज और बढ़ती जा रही है। कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में इल्यूमिनाटी ने ब्रूस बैनर को स्पेस में एक्साइल कर दिया था, जिसके बाद शुरू हुई थी प्लैनेट हल्क सीरीज। और प्लैनेट हल्क सीरीज का स्टोरी अडैप्टेशन ऑलरेडी थॉर रैग्नारोक में हो चुका है, लेकिन रिसेंटली शी हल्क के फिनाले एपिसोड में स्मार्ट हल्क गया साकार पे, जहां से वापस आया वो अपने बेटे स्कार के साथ, जो अगेन हिंट दे रहा है कॉमिक्स की प्लैनेट हल्क और उसे फॉलो थ्रू करती वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज की तरफ। अब ऑल्दो एमसीयू की करंट टाइमलाइन में वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन कहीं भी सेट नहीं होती, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क इवेंट का रीजन था हल्क, स्मार्ट हल्क या ब्रूस बैनर नहीं। लेकिन अगर फ्यूचर की कुछ इवेंट में स्मार्ट हल्क फिर से अपना कंट्रोल खो दे और हल्क वापस आ जाए, और कॉमिक्स की स्टोरी लाइन की तरह ऐसा दिखाया जाए कि उसकी वाइफ यानी स्कार की मदर मारी गई थी अर्थ की स्पेस शटल की वजह से ही, तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एमसीयू में भी हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की क्रॉसओवर इवेंट फेज 7 या फिर उसके बाद जरूर देखने मिल सकती है। अब लास्ट क्रॉसओवर इवेंट जो हमें मार्वल कॉमिक्स की वजह से एमसीयू के फ्यूचर में शायद देखने मिल सकती है, वो है थॉर 5 से रिलेटेड। थॉर लव एंड थंडर से ये कंफर्म कर दिया गया है कि थॉर वापस जरूर आएगा, और थॉर 5 मोस्ट प्रोबेबली हमें फ्यूचर में जरूर देखने मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक एडेप्टेशन हो सकता है मार्वल कॉमिक्स की एक और क्रॉसओवर इवेंट सीज का। एंड अगेन नेक्स्ट ईयर आने वाली सीक्रेट इन्वेजन सीरीज एमसीयू में सीज की स्टोरी लाइन को सेट कर सकती है। साल 2010 में पब्लिश हुई इस कॉमिक सीरीज में नॉर्मन ऑसबॉर्न बन गया था एक सुपर हीरो, और अपनी पावर्स और इन्फ्लुएंस को यूज करके उसने इन्वेजन किया था असगार्ड का। और एमसीयू के सीक्रेट इन्वेजन के थ्रू अगर नॉर्मन ऑसबॉर्न को एमसीयू में दिखाया जाता है, और अगर फ्यूचर में कॉमिक्स की सीज क्रॉसओवर को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो स्टोरी लाइन में असगार्ड का इन्वेजन काफी ईजी है, क्योंकि न्यू असगार्ड लोकेटेड है अर्थ पे। लेकिन सीज के बारे में कुछ भी कहना फिलहाल काफी जल्दी होगा, इसीलिए मैं इस क्रॉसओवर इवेंट के प्लॉट डिटेल्स और ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। तो मेरे हिसाब से ये है वो सारे पॉसिबल एमसीयू क्रॉसओवर इवेंट्स जो कॉमिक्स की स्टोरी लाइन को अडेप्ट करते हुए दिख सकते हैं एमसीयू के फ्यूचर में। अगर मैंने कोई और क्रॉसओवर इवेंट मिस कर दिया है तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताना। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।